नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम प्रस्तुत करेंगे सल्तनतकालीन साहित्य। सल्तनतकालीन साहित्य अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथ किस रूप में हैं और उनकी रचनाओं के पीछे कौन से विद्वान थे। सल्तनतकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों से राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे गए थे। कुछ सुल्तानों ने अपने जीवन का वर्णन अपने द्वारा रचित ग्रंथों में किया है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सर्वप्रथम हम चचनामा के बारे में चर्चा करते हैं। यह अरबी भाषा में लिपिबद्ध है। चचनामा मोहम्मद बिन कासिम से पहले तथा बाद के सिंध के इतिहास का ज्ञान होता है। इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इसके लेखक अली अहमद हैं। तहकीकाते हिंद दूसरे नंबर पे इसका वर्णन हम जान लेते हैं। इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। इस ग्रंथ का रचयिता अल बिरूनी था। वह अरबी तथा फारसी भाषाओं का विद्वान था। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। अल बिरूनी विदेशी था तथा भारत में उसने महमूद गजनवी के यहाँ नौकरी कर ली थी। वह चिकित्सा शास्त्र, धर्म, दर्शन तथा गणित में रुचि रखता था। वह हिंदू धर्म तथा दर्शन का भी अच्छा ज्ञाता था। अल बिरूनी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीखुल हिंद में महमूद के भारत आक्रमण तथा उनके प्रभावों का वर्णन किया है। उसने हिंदी धर्म, साहित्य तथा विज्ञान का भी सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार इस ग्रंथ से महमूद के आक्रमणों तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। सुचारू रूप से इस ग्रंथ को अंग्रेजी में भी अनुवादित किया गया है। ताजुल मासीर यह बड़ा ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ रहा। यह ग्रंथ हसन निजामी ने लिखा था। वह गोरी के साथ भारत आया था। इस ग्रंथ से 1192 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें विभिन्न स्थानों, मेलों व मनोरंजनों का वर्णन है तथा सल्तनतकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है जो अस्पष्ट है। इवेंट डे के अनुसार यद्यपि पुस्तक की शैली अत्यधिक कलात्मक एवं अलंकृत है पर इसमें वर्णित सामान्य तथ्य साधारणतः सत्य है। तबकाते नासरी इस ग्रंथ के रचयिता मिनहाज उस सिराज हैं। इसमें गोरी के आक्रमणों से लेकर 1260 ईस्वी तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। लेखक का वर्णन पर पक्षपातपूर्ण रहा है। उसने गोरी एवं इल्तुतमिश के वंशों का निष्पक्ष वर्णन नहीं किया है तथा बलबन की आँख मूंद कर प्रशंसा की है। इसके बाद भी यह ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें घटनाएं क्रमबद्ध रूप से वर्णित की गई हैं तथा इनकी तिथियां सत्य हैं। यह गुलाम वंश का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। फरिश्ता ने इसे एक अति उच्च कोटि का ग्रंथ माना है। एल्फिस्टन, स्टेवार्ड तथा मार्ले ने भी इसकी प्रशंसा काफ़ी की है। रेवर्टी ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित भी किया है। अमीर खुसरो के ग्रंथ। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। वह 6 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। उसने बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक का इतिहास लिखा है। उसने युद्ध में भी भाग लिया था। उसके ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य हैं जो इस प्रकार हैं। अमीर खुसरो के ग्रंथ किरानुस्सादेन अमीर खुसरो ने 1289 ईस्वी में लिखी। इस पुस्तक में कैकुबा तथा बुगरा खां की भेंट का वर्णन किया गया है। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन, दरबार का ऐश्वर्य, मद्यपान गोष्ठियों, संगीत तथा नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तथा कैकुबाद व बुगरा खां के चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। मिफ्ता उल फुतुह यह भी खुसरो का ग्रंथ है। 1291 ईस्वी में रचित यह पुस्तक अमीर खुसरो के तीसरे दीवान गुर्रतुल कमाल का भाग है। यह साधारण शैली में लिखी गई है। इसमें जलालुद्दीन की आरंभिक सफलताओं का वर्णन है। अमीर खुसरो की रचना आसिक इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां तथा गुजरात नरेश कर्ण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा तथा विवाह का वर्णन किया है। इसमें खिज्र खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी एवं मलिक काफूर की विजयों का भी वर्णन है।
इसमें खुसरो ने यह भी बताया है कि वह मंगोलों द्वारा किस प्रकार बंदी बनाया गया। खजाई नूल फुतू अथवा तारीख़ अलाई, खुसरो ने यह ग्रंथ 1311 ईस्वी में लिखा। तारीख़ अलाई एक गद्यात्मक रचना है जिसे खजाई नूल फुतू भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कृत्रिमता काफ़ी है, लेकिन जो ठोस जानकारी उपलब्ध है उसे देखते हुए हम कृत्रिमता को क्षमा कर सकते हैं। इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजयों एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन किया है। लेखक के वर्णन में पक्षपात की भावना दिखाई देती है। उसने अलाउद्दीन के सिर्फ गुणों पर प्रकाश डाला है, दोषों पर नहीं। उसने अलाउद्दीन के राज्यारोहण का वर्णन किया है, किंतु जलालुद्दीन के वध का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके बाद भी यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है तथा तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तुगलकनामा, यह भी खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इसमें खुसरो खान के शासनकाल एवं पतन का तथा तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन किया है। जियाउद्दीन बरनी के ग्रंथ, जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही ने लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही बरनी ने इस ग्रंथ में खिलजी तथा तुगलक वंश का आंखों देखा वर्णन किया है। इस ग्रंथ के बारे में उसने लिखा है, यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण सम्मिलित हैं। जो इसे इतिहास समझकर पढ़ेगा उसे राजाओं और के अलावा सामाजिक आर्थिक और न्यायिक सुधारों का भी वर्णन किया। इसमें कवियों, दार्शनिकों तथा संतों की लंबी सूची दी गई है। बरनी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। बरनी इतिहास के विकृत करने के विरुद्ध था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मध्यकालीन इतिहासकारों में वर्णी ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर जोर देता है और चाटुकारिता तथा मिथ्या वर्णन से घृणा करता है। इसके बाद भी इस ग्रंथ में तिथि संबंधी दोष तथा धार्मिक पक्षपात देखने को मिलता है, किंतु यह अमूल्य ऐतिहासिक कृति है। इवन डे के अनुसार अपने दोषों के बाद भी यह पुस्तक तत्कालीन संस्थाओं के अध्ययन का मुख्य स्रोत है। फतवा जहांगीरी, बरनी ने उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने हेतु एवं फिरोज के समक्ष आदर्श उपस्थित करने हेतु इस ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का वर्णन है। इसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है। बरनी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक माना है तथा मुसलमान सुल्तानों को उसका अनुकरण करने के लिए कहा है। बरनी कट्टर मुसलमान था, अतः उसने काफिरों का विनाश करने वालों को आदर्श मुस्लिम शासक माना है। उसने आदर्श शासन के लिए कुशल शासन प्रबंध भी आवश्यक बताया है। यदि बरनी के आदर्श शासन शासक संबंधी विचारों में से उसकी धर्मांधता को निकाल दिया जाए तो यह शासन प्रबंध में आदर्श सिद्ध हो सकते हैं। वस्तुतः वर्णी की कृतियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य हैं तथा ये बाद के इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही हैं। इलियट एवं डाउसन ने भारत के इतिहास तृतीय खंड में वर्णी के कई उदाहरण दिए हैं तथा डॉक्टर रिजवी ने उसकी कृत तारीख़ फिरोज शाही का हिंदी अनुवाद किया है। तारीख़ फिरोज शाही, इस ग्रंथ का रचयिता शमसे सिराज अफीफ था। वह दीवान वजारत में कार्यरत था। वह सुल्तान के काफ़ी नज़दीक था। जहाँ वर्णी की तारीख़ फिरोज शाही समाप्त होती है, वहीं अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही शुरू होती है। इसमें उसे फिरोज तुगलक का 1357 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ 90 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें फिरोज के चरित्र, अभियान, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति तथा उसके दरबारियों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ पक्षपातपूर्ण है क्योंकि उसने फिरोज की अत्यधिक प्रशंसा की है। इसके बावजूद यह हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है। अफीफ के इस ग्रंथ से राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह कृति बाद के इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अफीफ में बरनी जैसी न तो बौद्धिक उपलब्धि है और न ही इतिहासकारों की योग्यता, सूझबूझ तथा पैनी दृष्टि ही। अफीफ एक घटना को तिथि क्रम से लिखने वाला सामान्य इतिहासकार है जिसने प्रशंसात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किए हैं और अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्ण शैली में सुल्तान की प्रशंसा करता है। उसमें इतनी अतिशयोक्ति है कि फिरोज के सत्कारियों के वर्णन को पढ़कर सर हेनरी इलियट ने उसकी तुलना अकबर से कर डाली। फुतुहाते फिरोज शाही, इस ग्रंथ का रचयिता फिरोज तुगलक स्वयं था। इससे उसके शासन प्रबंध तथा धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। किताबुल रहला, यह ग्रंथ मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। किताबुल रहला यह उसका यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में रचित है। इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, रीति रिवाजों, परंपराओं, दास प्रथाएं, स्त्रियों की दशा का सुंदर वर्णन किया है। उसका वर्णन पक्षपात की भावना से मुक्त है। तो दोस्तों,
अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक चैनल यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।